नमस्कार दोस्तों, मैं हरि नारायण कुमार। आपको पता है कि अभी बहुत सारा लोग जो रैंडमाइजेशन हुआ है उसका लिस्ट का वेट कर रहे हैं। मुझे तो कमेंट बॉक्स से लेकर के व्हाट्सएप से लेकर के टेलीग्राम से लेकर ये इतना मैसेज आ रहा है, यार मोबाइल मेरा हैंग कर गया। अब इतना मैसेज मैं सभी को रिप्लाई कैसे दूं, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था क्योंकि अभी तबीयत मेरा खराब चल रहा है, फिर भी मैं किसी तरह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। पता नहीं किसी को आवाज में वॉइस में क्या अंतर आ रहा है, और कुछ अनाप शनाप ऐसे कुछ कमेंट कर जाते हैं कि जिससे मुझे मेरा मनोबल टूटने लगता है। और इसमें क्या है कि उस बातों पर मैं ना ध्यान देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पीडीएफ है उसमें आपको कहीं भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जब अकिनन संदीप पौंडिक सर और उद्योग मंत्री की मौजूदगी में सारा काम हुआ है, उसके बाद इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि लेपा पोती हो रहा है, या हो रहा है, वहा हो रहा है, यार कुछ ऐसा आप नहीं होगा। क्योंकि पूरा अरेंजमेंट होने में, हाँ डिपार्टमेंट को अगर ज्यादा पारदर्शिता की अगर दावा कर रहे हैं, जो रैंडमाइजेशन हुआ बस वो सेम लिस्ट को वहां पर लिख देता कि भाई ये आपका ये रैंडमाइजेशन लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, जो भी होता उसको पीडीएफ को पहले डाल देता। जैसे मैं बात करूं कि 2021 से 22 को याद कीजिए, उधर क्या किया था, पहले रैंडमाइजेशन वाला लिस्ट पहले डाल दिए, उसके बाद तब एक फाइनल लिस्ट बाद में। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि भाई उसमें गड़बड़ी हो या ना हो, भाई अकिनन किसी को डाउट जरूर होगा क्योंकि जो रैंडमाइजेशन होता है वो वाला पहले पीडीएफ यहाँ पे डाला जाता है, डलाने के बाद में एक दिन का वो समय अपन ले लेते हैं, बाद में अपना उसमें कुछ जो चेंजिंग होता उसमें बढ़िया से देख करके विकलांग को अलग छिटका करके तब अरेंज करके तब डालना पड़ता है। अब इसमें में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हर जिला का तो एक बार नहीं होगा, समझे, क्योंकि वहां पर एक आप जब ये नोटिफिकेशन देखेंगे तो जिला बार आपको दे दिया जाता है, तो जिला बार लिस्ट बनाने में टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई पटना में जो मान लेते हैं कि 400 लोगों का लेगा तो सीतामढ़ी में 400 का लेगा, मधेपुरा में 400 का लेगा, शिवहर में 400 का लेगा, ऐसा तो नहीं है। कैटेगोरी वाइज वो अलग है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बनेगा। तो भाई सब रखिए, आपको एक भी यहाँ पे आपको पूरा जो कोटी आपका जो है उसमें कहीं भी आपका छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इतना आप रखिए, समझे। आज क्योंकि हर चीज उनके हाथ में है, आज इतना भी विश्वास अब नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो जिला बार मैं बार बार कहता हूं ये जिला बार होता है क्योंकि पटना की आबादी ज्यादा है, पटना का एक्चुअली ज्यादा आबादी है तो वहां पर उसका रहेगा, शिवहर का कम है शिवहर का कम रहेगा, सीतामढ़ी का रहेगा, तो वैसे भाई छिड़काना पड़ता है ना। अररिया का हो गया, औरंगाबाद का हो गया, जब आप वहां पर रैंडमाइजेशन हो रहा था उस टाइम देख रहे होइएगा E4 ये वाला का औरंगाबाद अररिया ये सब का पहले आ रहा था, तो ऐसा थोड़ी है कि खाली खाली अररिया का था, नहीं, अब उसमें तो रैंडमाइजेशन हुआ, पहले SC ST का हुआ, फिर EBC का हुआ, OBC का हुआ, है ना, ऐसे करके सबका अलग अलग से होता है। अब उसी अनुसार अब फिर जिलावार होगा, बहुत नियम है भाई, ऐसे आपको लगता है कि सीधे डाल दें तो ऐसा नहीं। हाँ ये गलती मैं मानता हूं कि जो रैंडमाइजेशन हुआ वो पोर्टल पर डालना चाहिए, उसके बाद अपना जो काम करते करते, लेकिन भाई उनकी भी दायित्व तो है। जब इतना आश्वासन आपको दिया जा रहा है कि पारदर्शिता है तो थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम भी इस बार जो रैंडमाइजेशन हुआ है मैं उससे सहमत हूं, मैं इतना कहना चाहूंगा, आप भी सहमत रहें और धैर्य बनाकर रखें। अभी
ये बनने में जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे बाद में आपका फिर दिव्यांग में तो और दिमाग में मतलब पे चीज ज्यादा करना पड़ता है, उसका फिर सर्टिफिकेट देखेगा, फिर बाद में कहीं छाट देगा तो वो कहेगा हमारा इलाके बाद क्या छाट दिए, तो ये सब बहुत होता है, आपको नहीं लगता है? इसलिए सभी चीज को देखते हुए ध्यान में रखते हुए तब बनाया जाएगा लिस्ट, ऐसे थोड़ी बन जाएगा भाई, दाल भात का चोखा है सोने खा गए, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए धैर्य बना कर रखें, और व्हाट्सएप नंबर जिन भाई को है वो व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करना है, कमेंट में ही जवाब दिया जाएगा आपको, वो फॉर्म भराने के लिए दिया गया था बस उतना ही दिन। आप कहेंगे 365 दिन भाई व्हाट्सएप पे हमारा काम चल जाए, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते रहे, तो ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए कमेंट वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहां पे, और टेलीग्राम में आप में टेलीग्राम में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने में आपस में है ना, सभी को जितने मेंबर है ग्रुप के मेंबर है रिस्पेक्ट करें, कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, तो हर मेंबर का रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी भाई अब जुड़े हुए हैं इतना ध्यान रखना है। और ये जो लिस्ट है हमें लगता है कि 8-9 बजे रात या 12 बजे रात भी हो सकता है समझे, लेकिन आज ही डलाएगा, ज्यादा भी लेट हो कल भोरे भी डलाएं, लेकिन आज क्लियर होगा, चाहे 12 बजे रात हो लेकिन आज ही डलाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया जिला कैटेगोरी सब चीज को ध्यान में रखते हुए तब बात किया जाता है, और भी विशेष बातें होता है अंदरूनी, उतना आप भी जानते हैं उतना क्या मैं बोलूं, ठीक है? तो पेशेंस रखें मेरे भाई, हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं, थैंक यू, लव यू, बाय बाय। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BSTLT। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप, ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।